सनी लियोनी अपनी अपकमिंग फिल्म तेलुगु फिल्म भीड़मा देवी की शूटिंग भी कर रही हैं। इस बात की जानकारी खुद सनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से दी। फिल्म में सनी एक राजकुमारी योद्धा के किरदार में नजर आएंगी, जिसके लिए उन्हें एक्शन सीन भी शूट करने होंगे। एक्ट्रेस और मॉडल सनी लियोनी अपने मशहूर इंटरनेशनल शो मैन वर्सेज वाइल्ड को लेकर चर्चा में है। शो को सनी होस्ट करते हुए नजर आएंगी। शो की शूटिंग भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही सनी अपनी अपकमिंग फिल्म तेलुगु फिल्म भीड़मा देवी की शूटिंग भी कर रही हैं। इस बात की जानकारी खुद सनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से दी। फिल्म में सनी एक राजकुमारी योद्धा के किरदार में नजर आएंगी, जिसके लिए उन्हें एक्शन सीन भी शूट करने होंगे। हाल ही में सनी चेन्नई पहुंची थी, जहां पर वे घुड़सवारी को सीखेंगी। बॉम्बे टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सनी ने कहा, मुझे हमेशा से चुनौती भरे प्रोजेक्ट्स को करने में मजा आता है और फैंटेसी एक्शन फिल्म है। मेरा चरित्र एक मजबूत और स्वतंत्र महिला का है। सनी अपनी फिल्म के लिए घुड़सवारी सीख रही हैं। इस फिल्म में मुझे 50 से ज्यादा घोड़ों के साथ सीन शूट करना है, जो बेहद चुनौतीपूर्ण है। सिर्फ सनी ही नहीं, अपनी फिल्म के लिए कुछ नया सीख रही हैं। इसके पहले अभिनेत्री प्राची देसाई ने भी अपनी फिल्म कोशा के लिए गिटार सीखा है। प्राची का कहना है कि वे हमेशा से गिटार सीखना चाहती थीं। फिल्म कोशा की कहानी एक लड़की पर आधारित है, जो एक बैंड की सदस्य है और एल्कोहल की लत का शिकार है। फिल्म कोशा निर्देशक अद्वैत और दिवंगत राज कंवर के बेटे अभय द्वारा निर्मित फिल्म है। रिपोर्ट के अनुसार प्राची ने कहा, आप हमेशा हर फिल्म से कुछ न कुछ सीखते हैं और मैंने गिटार बजाना सीखा। मैं हमेशा से गिटार बजाना सीखना चाहती थी, लेकिन इसके पहले कभी मौका नहीं मिला। प्राची को गिटार सीखने में केवल 2 सप्ताह का समय लगा। प्राची ने अपना टैलेंट को सबसे पहले परिवार वालों को दिखाया। प्राची ने अपनी फैमिली को सरप्राइज देते हुए कजिन की शादी में गिटार बजाकर गाना गाया।